नमस्कार, आपण मानक स्वागत जनवर कर राउरकेला संवाद। आज मुख्य संवाद से राउरकेला इस्पात कारखाना विश्व परिवेश दिवस पालित। आरएसपी वरिष्ठ अधिकारी फाइनेंस रे डॉक्टरेट डिग्री। स्वाधीनतार अमृत महोत्सव सीरीज्रे आम आज व्यक्तित्व श्री अच्युतानंद दास। एथर संपूर्ण संवाद। महारत्न कंपानी सेल अधीनस्थ राउरकेला इस्पात कारखाना अवशिष्ट विश्ववासी सहित जून 5 तारीख में विश्व परिवेश दिवस पालन में सामिल होता। आरएसपी भारप्राप्त निर्देशक श्री अतनु भौमिक शिल्प कोणार्क परिसर में परिवेश पताका उत्तोलन करते। यह अवसर में उपस्थित समस्त कर्मचारी को परिवेश सुरक्षा शपथपाठ करा। कर्मचारी माने परिवेश दिवस रे बेच मध्य परिधान करथिले। चलित वर्षर विश्व परिवेश दिवस पालन संदर्भ केवल गोटे विश्व उपरे आलोचना करी श्री भौमिक कहते जे एक द्वैतशील कॉर्पोरेट नागरिक भाव में आम स्थायी विकास तथा आम समस्त ऑपरेशन ने संरक्षण प्रयास को परिपुष्ट करने प्रतिबद्ध अटु। निरंतरता बजाय रखिबा एवं भविष्य पीढ़ी को एक उत्तम भविष्य सुनिश्चित रखिबा दिगरे आमर दायित्व प्रति आम सचेतन। परिवेश को सुरक्षित रखापी प्रतिबद्धता आमर कॉर्पोरेट ध्येय समस्त उत्पादन प्रक्रिया एवं आमर समस्त प्रयास अंतर्भुक्त रही। उल्लेखनीय जे सद्यतम परिवेश अनुकूल इस्पात निर्माण ज्ञानकौशल अपणवा सहित आरएसपी प्रदूषक गुड़ी को सेगुड़िकर निर्गत उत्सगुड़िक विशोधित करने निम्ते व्यापक पदक्षेप ग्रहण करुच्चे। प्रगतिशील रूपे अत्याधुनिक परिवेश अनुकूल ज्ञानकौशल उपयोग परिवेश निरीक्षण एवं परिवेश सचेतनतार प्रसार इस्पात कारखाना तीन प्रमुख ध्यान केन्द्रिक क्षेत्र रही। निकटरे कमिशन होता अत्याधुनिक हस्टिम मिल 2 शून्य बज्य जल तत्व उपर आधारित अटे। यह आधुनिक कारीगरी रे निर्मित मिल नदी उत्सर जल उत्तोलन नक कार्य करदल लगुन रु बज्य जल संग्रह कर विशोधन पूर्वक हस्टिम मिल 2 को यार आवश्यकता मेटाइबापी जगह दि जाऊण। नैतिक प्रयास एवं समय भित्तिक कार्य योजना सहित इस्पात कारखानार निर्दिष्ट शक्ति व्यवहार 2021-22 वर्ष अशोधित इस्पात टन पिछा 5.98 गीगा क्यालोरी सर्वश्रेष्ठ स्तर में पहुँची। से भाई मिलित प्रयास हेतु अनेक मुख्य परिवेश परिमापकता जल व्यवहार बहुत ह्रास पाई। 2021-22 मसीह आरएसपी निर्दिष्ट जल व्यवहार 1 टन अशोधित इस्पात प्रति 3.20 घनमीटर रही। जहाँ आरएसपी अद्यावधि ना केवल सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन बर समग्र सेल मध्य यह सर्वोत्तम मान्यता पाई। कोल केमिकल विभाग में बीओडी प्लांट आधुनिकीकरण प्लांट सीवेज विशोधन निम्ते स्वतंत्र समर्पित विशोधन प्लांट लगुन क्षमता वृद्धि प्रकल्प इत्यादि जारी रही आरएसपी परिवेश भित्तिक प्रकल्प रही। एथसमेत प्रदूषण ह्रास एवं वायु प्रदूषक गुड़ी पृथक करने निम्ते विभिन्न यूनिट्रे इलेक्ट्रोस्टाटिक प्रेसिपिनेटर बैग हाउस मल्टीसाइक्लोन ड्राइफक डस्ट सप्रेसन सिस्टम डस्ट सप्रेसन सिस्टम एवं वेट स्क्रबर स्थापना करा। इस्पात कारखाना एपर्यंत इस्पात सहर तथा यार आखपाखे 52 लक्ष अधिक चारा रोपण कर बृहत कार्बन ह्रास सृष्टि कर। परिवेश अनुकूल प्रयास समस्त धारार स्वीकृति स्वरूप 2021 मसीह आरएसपी को सम्मानजनक ग्रीन टेक परिवेश उत्कर्षता स्वर्ण पुरस्कार प्रदान करा जाई छी। सेल राउरकेला इस्पात कारखानार वित्त और लेखा विभाग महाप्रबंधक डॉक्टर गिरीजा शंकर दास श्री श्री विश्वविद्यालय डॉक्टरेट डिग्री हासिल करछंती। शीर्षक संदर्भ थिला स्टडी ऑन फाइनेंशियल इनक्लूजन एंड परफॉर्मेंस ऑफ बैंकिंग सेक्टर्स इन ओडिशा। तांकर संदर्भ दिल्ली विश्वविद्यालय अर्थ व्यवसाय अर्थनीति विभाग प्रोफेसर डॉक्टर अमिताभ गुप्ता एवं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलांग प्रोफेसर डॉक्टर नलिनी प्रभा त्रिपाठी द्वारा उच्च प्रशंसित होती। डॉक्टर दास 1993 मसीह सेल जूनियर मैनेजर फाइनेंस भाव में जोग देते इस्को पोस्टिंग कॉर्पोरेट ऑफिस नया दिल्ली को बदली होता जोठार से 1999 मसीह आरएसपी जोगदेवा पूर्व 2 वर्ष कार्य करते।
ନିଷ୍ଠାପରତା ଏବଂ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ପାଇଁ ପରିଚିତ ଏହି ଅନନ୍ୟ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ପନ୍ନ ଅର୍ଥବୃତ୍ତିଧାରୀ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ନିପୁଣତା ଓ ସମର୍ପିତ ସେବାକୁ ପାଥେୟ କରି 2015 ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ ରୂପେ ପଦୋନ୍ନତି ହୋଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରବିଶଙ୍କରଙ୍କ ଜଣେ ପରମ ଅନୁଗାମୀ ଡକ୍ଟର ଦାସ ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଲିଭିଂର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାପକ ଭାବରେ ସମାଜରେ ସୁସ୍ଥତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ତଥା ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ କର୍ପୋରେଟ୍ ଟ୍ରେନର, ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ସ୍ପିକର ଏବଂ ଯୋଗ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ଦାସ ଆର୍ଏସ୍ପିର ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଧିବେଶନ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଚାପମୁକ୍ତ ଜୀବନଧାରଣ ସହକାରେ କମ୍ପାନୀର ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ସହଯୋଗ କରିବାରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଶ୍ରୀମତୀ କାଜଲ ଦାସ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାତାପିତା ଶ୍ରୀମତୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ଦାସ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଦାସଙ୍କୁ ନିଜର ଏହି ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ପିଆର୍ ସମ୍ବାଦ କକ୍ଷ ସହ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ନିଜର ସଫଳତାକୁ ନେଇ ଡକ୍ଟର ଦାସ କୁହନ୍ତି ଯେ मेरा जो ये पीएचडी था फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड परफॉर्मेंस ऑफ बैंकिंग सेक्टर्स, वो मैं श्री श्री यूनिवर्सिटी जो श्री श्री रविशंकर जी का यूनिवर्सिटी है उड़ीसा में है, तो वहाँ पर मैंने स्टार्ट किया था। और मेरा जो गाइड है यहाँ पर डॉक्टर भागीरथी नायक, जो पहले आईआईटी खड़गपुर में थे, उसके बाद चीफ प्रोफेसर डॉक्टर नायक वो आके श्री श्री यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किए थे। मैं उनके पास इसको कर रहा था और वही मेरे को गाइड थे। और मेरा इसको एनालिसिस हुआ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट सिनॉप। और इसका जो बेनिफिट्स है, हम लोग का जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड राउरकेला स्टील प्लांट, हम लोग का बहुत सारा सीएसआर एक्टिविटीज़ बहुत पेरिफेरल विलेजेस में होता है, जिसमें कि बहुत गरीब लोग रहते हैं, जिनका हम लोग का बिलो पॉवर्टी लाइन भी हम लोग बोल सकते हैं। तो उनका पॉवर्टी का कारण होता है क्योंकि बैंक्स का पास प्रोडक्ट्स है, बैंक्स के पास सर्विसेज है, और वो लोगों के पास नहीं पहुंच रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको जो जितना भी हम लोग का जो मॉडल विलेजेस है राउरकेला स्टील प्लांट का, कि हमारा सीएसआर एक्टिविटी जहां पर भी है, हम लोग उनको इंश्योर कर सकते हैं कैसे लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी मिले, तो उन लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन उनको मिले, तो बैंक के साथ कैसे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, बैंक का प्रोडक्ट्स को कैसे वो समझ सकते हैं। कि कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं, कौन सारा सारा प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो या पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो, उनको जो कैमिल रेशियोज है, जो उनका परफॉर्मेंस एनालिसिस है, उसको हम लोग स्टडी करके जो अच्छा जिसका कैमिल रेटिंग में अच्छा है, हम लोग फाइनेंशियल एक्टिविटीज जो है हमारे डिपोजिट उन बैंक के साथ कर सकते हैं जिसका कि कैमिल रेटिंग अच्छा है। और जिनका कैमिल रेटिंग थोड़ा लो है, तो हमारा कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी वहाँ पर डिपॉजिट करना, कि वहाँ पर कुछ हम लोग उनके साथ इन्वॉल्वमेंट रहना, उतना ठीक नहीं है। ସେଲ୍ ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ପର୍ବ ପାଳନ ଉପଲକ୍ଷେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ଉପରେ ଅନେକ ଖବର ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ଆମର ଆଜିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ। ସେ 1485 କଟକ ନେମାଳ ନିକଟ ତିଲକନାରେ ଶ୍ରୀ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଏବଂ ଶ୍ରୀମତୀ ପଦ୍ମାବତୀ ଦେବୀଙ୍କ ଔରସରୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବୈଷ୍ଣବ ସାଧୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଜଣେ ପରମ ଭକ୍ତ, ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ ଅଟେ। 13 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ନେଇ ପୁରୀର ସହରର ଭବିଷ୍ୟତ ଏବଂ କଳ୍କି ଅବତାରର ରୂପ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମାଳିକା ନାମକ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟନ୍ତି। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ହରିବଂଶ, ତତ୍ତ୍ୱବୋଧିନୀ, ଶୂନ୍ୟ ସଂଗୀତା, ଜ୍ୟୋତି ସଂଗୀତା, ଗୋପାଳ ଉଜ୍ଜଳ, ବାରାଣସୀ ଗୀତା, ମନା ମହିମା ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ। ଆଜି ପାଇଁ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରସାରଣ ଏଇଟି ଶେଷ କରୁଛୁ। ନମସ୍କାର।